हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 3.3 करते हैं हम, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। देखो इसमें क्या कहता है, कहता है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, जो टोस्टर है वो हीटिंग एलिमेंट में क्या यूज़ कर रहा है, नाइक्रोम को यूज़ कर रहा है। ऑब्वियस वाले टोस्टर में गर्म ही करते हैं। व्हेन अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासिस थ्रू इट, जब एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास हो रहा है उसमें से, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है उसका रूम टेम्परेचर पर कितना है, मतलब रूम टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सी होता है, इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। तो जो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जो उसका रेजिस्टेंस है रूम टेम्परेचर पर वो कितना हुआ है, 75.3 ओम हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ को आपने समझना है क्या, जब भी करंट पास होता है, ठीक है, जब भी करंट पास होगा तो क्या होगा, वहाँ हीट बनेगी। हीट बनेगी तो मतलब क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मतलब क्या है, वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है तो फिर यानी कि करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, जो भी उसकी वैल्यू होती है उससे थोड़ा डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसने फर्स्ट केस यहाँ पर बता रहा है कि जब बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास किया है तब कोई इतना मतलब हीट पैदा वहाँ नहीं होती है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है, वही हम कंसीडर करते हैं, तो उस पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो यही मिलता है 75.3 ओम का। रूम टेम्परेचर पे भी यही है रेजिस्टेंस, और जब आपने करंट पास किया स्मॉल तब भी यही मिला आपको, क्योंकि टेम्परेचर इतना चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि स्मॉल करंट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हीट ही नहीं बन रही इतनी स्मॉल करंट की जब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही मिलेगा आपको जब आप स्मॉल करंट भी पास करा रहे हो, तो जो रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस आपको करंट पास कराने के बाद भी मिलता है। ये तो फर्स्ट केस हो गया इसका। ठीक है, सेकंड में जो ये कहता है आपको, कहता है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है, 230 वोल्ट सप्लाई, यानी कि अब 230 वोल्ट सप्लाई की है तो आपको अब करंट ज़्यादा मिलेगा। तो जो करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू, कितना है वो, 2.68 एम्पियर, कितना है ये, 2.68 एम्पियर का करंट मिलता है। ठीक है, क्लियर है, तो जो करंट है वो कितना मिल रहा है आपको, 2.68 एम्पियर का। ठीक है, और जो सप्लाई है वो कितनी है, वोल्टेज वो है 230 वोल्ट की। क्लियर है इतनी बात, ये सेकंड केस है हमारा। ठीक, बताओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब उसके बाद कहता है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट। अब टेम्परेचर आपको बताना है यहाँ पर कि क्या होगा। ठीक है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम वायर का वो कितना है, 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सी है। मतलब ये अल्फा दिया हुआ है, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि ये अल्फा दिया हुआ है, कितना है ये, 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस होता है ये। ठीक है, अब देखो जो आपको फॉर्मूला याद है टेम्परेचर कॉफिशेंट में, वो हमने क्या ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो तो वो जो फॉर्मूला था वो ये था, R इज इक्वल टू में आर नॉट वन प्लस में अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और ये डेल्टा टी भी क्या होता था हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल होता था, ये हमें पता ही है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें अल्फा भी दिया हुआ है हमें, ठीक है, और जो टेम्परेचर है, देखो टेम्परेचर में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, देखो जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सी, यानी कि जो T1 है हमारा वो है 27 डिग्री सी। ठीक है, और जो R1 है, ये वाला हम R1 कंसिडर कर लेते हैं अपना, ये कितना है, 75.3 ओम का हमने कंसिडर किया। ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम फर्स्ट केस वाला, जबकि वहाँ तो करंट भी पास हो रहा था, तो आप रीज़न लिख सकते हो ना कि स्मॉल करंट जब पास हुआ तो कोई टेम्परेचर नहीं चेंज होता इतना, क्योंकि हीट ही नहीं बनती वहाँ, उतना ही रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो ये वाले रहे हमारे, क्लियर है, फर्स्ट केस के बाद ये रहे। अब जब सेकंड केस में उसने 230 वोल्ट दिया और करंट इतना दिया और टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना बता रहा है ये आपको, ठीक है, तब वो आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि अब जो यहाँ टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, T2 टेम्परेचर होगा। ठीक है, और इस केस में रेजिस्टेंस भी आना चाहिए R2 हमारा, वो भी हमें नहीं पता अभी तो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये फॉर्मूला है ये कैसे चेंज हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ, R इज इक्वल टू में आर नॉट वन प्लस में अल्फा, ये क्या बनता था हमारा अगर आपको याद हो, टी फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल टेम्परेचर, ये बनता था, याद आया कुछ। ठीक है, अब इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर फाइनल जो रेजिस्टेंस मान लिया वो क्या मान लिया, R2, तो मैं यहाँ R की जगह ये R2 लिख देता हूँ, और इनिशियल जो रेजिस्टेंस है ये मैंने क्या मान लिया, R1 मान लिया, मैंने R1 लिख दिया यहाँ पर, 1 प्लस में अल्फा एज इट इज़। अब टेम्परेचर ये इनिशियल वाला जो फाइनल वाला सॉरी हमने क्या माना है, T2, तो ये T2 हो गया, ये फाइनल था, और ये इनिशियल वाला क्या माना हमने, T1, तो ये T1 ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, देखो हमारे पास T1 भी है और T2 तो हमें निकालना है। ठीक है,
यहाँ पर T2 तो हमें निकालना है। अब हमें देखो R2 नहीं पता इस केस में, और R1 पता है, और अल्फा भी पता है हमें। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ से R2 पता चल जाए किसी तरीके से, यहाँ R2 पुट कर दूँ मैं, तो हमारा T2 ईजिली निकल जाएगा। तो R2 कैसे निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा क्योंकि उसने बोल दिया था सप्लाई इतनी है, करंट इतना है, तो यहाँ रेजिस्टेंस निकल जाएगा R2, वो क्या निकलेगा V अपॉन में I। तो ये देखो यहाँ पर करते हैं हम इसको, 230 अपॉन में कितना है ये 268, पॉइंट है, पॉइंट का हटेगा 100 लगेगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो बात को। अब देखो इसको मैं यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, देखो 230 अपॉन में 268 इंटू में 100 है, क्लियर आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ। अब देखो इसको हम 2 से करते हैं, 2 वन ज़ा 2, फिर अगेन वन ज़ा एंड 2 फाइव ज़ा 10, फिर 2 वन ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8। अब ये देखो किस पे जा सकता है, आगे नहीं जा रहा कहीं पर ये, ठीक है। तो देखो अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवीजन करते हैं हम यहाँ पर 115, और ये कितने हैं, दो जीरोज हैं, और ये है 134। देखो ये किस पे चला जा सकता है, यहाँ पर 134 है ना, अभी हम इसको 8 पे करके देखते हैं। देखो 134 को 8 पे करो, 84 दा 32 ये 3, 83 दा 24 और 3 27 ये 2, 81 दा और 8 और 2 कितना हो गया 10। तो हाँ इस पे चला जाएगा ये 8 पर, तो ये 8 पे गया, यहाँ हमारे पास कितना आया ये 1072। तो देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा हमारे पास 4, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ ये 0 ही रह गया, ठीक है। तो ये 0 0 रह गया यहाँ पर, ये 0 यहाँ आया। अब किस पे चल जाएगा ये देखो 134, 5 से कर लो, 5 से 5 4 दा 20, 5 3 दा 15 और 2 17, 5 1 दा 5 और 1 6, तो ये 5 पे चला गया, करके देख लेना 6 पे ज़्यादा हो जाएगा। देखो 134 को 6 से करोगे ना, 6 4 दा 24, 6 3 दा 18 और 2 20, 6 1 दा और ये 2 कितना हो गया 8, 804 ज़्यादा आएगा। तो 85 सही है हमारा, 670, ठीक है, ये 0 और ये कितना आएगा हमारे पास 1, और यहाँ से भी ये 1 आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे अगर हमें करना है तो एक जीरो लेनी पड़ेगी, उसके लिए फिर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। अब ये किस पे चला जाएगा, देखो ये 1100 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, और यहाँ 1150 था तो हमने 8 पे किया था, तो इसको भी 8 से ही कर देते हैं, 85.8, ठीक है। तो ये 1072 आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, बस ये, ठीक है। तो बस ये इतना बहुत है, 85.8 आ रहा है, मतलब हमारा 80.58 R2 आ रहा है। तो बस ये सारी वैल्यूज हमें पता चल गई यहाँ पर या नहीं बताओ, क्लियर। तो यहाँ पर देखो जरा अब हम क्या करेंगे, यहाँ R2 की वैल्यू पता चल गई हमें 85.8 है, R2 की R1 हमें पता है कितना है 75.3 ले लिया हमने, 1 प्लस में अल्फा भी पता है हमें 1.70 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 है, और यहाँ पर देखो ये T2 है और T1 है हमारा 27, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 85.8 ये 75.3 यहाँ जाएगा, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखो 1 प्लस में ये 1.70 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 और ये T2 माइनस में 27, ये बच गया, ठीक है। अब ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो देखो 85.8 अपॉन में 75.3 दिख रहा है, और ये वाला 1 इधर जाके माइनस 1, इधर क्या बचा 1.70 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 और ये T2 माइनस में 27। देखो अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखो ये LCM आ गया 75.3, यहाँ से ये 85.8 आएगा, माइनस में ये इससे डिवाइड हुआ 75.3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.3, और ये एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, सिंपल हो रहा है बिल्कुल या नहीं। अब देखो ज़रा 85.8 है, 85.8 में से 75.3 माइनस करो 8 में से ही गया 5, ये 0 और ये कितना आ गया 1, 10.5, ये 10.5 बन रहा है, ये 75.3 है, ये 1.70 ये यहाँ आ जाएगा, 1.70 यहाँ आ गया, पॉइंट हटेगा उसका, 100 नीचे लगाएंगे वो हम ऊपर लिख देंगे, और ये 10 की पावर माइनस 4 यहाँ आएगा नीचे, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा तो 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा ये, और ये देखो T2 माइनस में 27 ये बच गया इधर, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। ये वाला पॉइंट इससे हट जाएगा, मतलब कहने का क्या, इसका 10 नीचे, इसका 10 नीचे लगेगा वो ऊपर जाएगा, 10 से 10 कटेंगे तो ये 10.105 और ये 753 आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें बता दो। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक ज़ीरो ये इससे कट गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो कितना बन रहा है अब हमारे पास 35, और एक ज़ीरो ये है और चार ज़ीरो ये हैं, 1 2 3 4 ये आ गया, और 251 को 17 से कर लो मल्टीप्लाई,
कितना आएगा, 7 1 7, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, और ये 2 5 1 इसमें ऐड कर दो, 7, ये 6 और ये कितना हो गया 12, ये आ रहा है 4 2 6 7। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना, जब ये कितना आ गया हमारे पास, कितना बन रहा है ये हमारे पास, देखो 35 लाख है ना, 35 लाख को 4 2 6 7 से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो ये आपके पास आएगा 820.24 डिवाइड करके, ठीक है, करके देख लेना इसको, ये आएगा ठीक। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये T2 माइनस में 27, देखो अब ये माइनस 27 इसमें ऐड करेंगे हम, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 847.24। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे ना, उसने इसको क्या ले रखा है, राउंड ऑफ करके 820 ले रखा है, तो 820 ले लिया हमने, और ये 27 इधर जाके प्लस का 27 हो जाएगा, तो ये जो T2 आ गया हमारे पास, ये कितना बनेगा 847 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आ गया हमारा, क्लियर है, यही पूछ रहा था वो आपसे यहाँ पर, व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, जब ये कहानी उसने बताई, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से निकाल दिया, कहानी क्या थी मेन, इसमें ये जो हमारा फॉर्मूला था ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है हमारा, बस इसमें ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, और ये क्या है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, बस आगे तो सॉल्व ही करना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कर लोगे आप, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें सेकंड पार्ट में हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि क्या हुआ है, करंट ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है, करंट अब यहाँ पर जब फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, शुरू में क्या होता है, देखो ये करंट ज़्यादा होता है, ठीक है, हम मान के चल लेते हैं कि हमारा ये ज़्यादा करंट है, ठीक है, कोई भी वैल्यू पे पहुंचा ज़्यादा करंट है, वो अलग बात है कि धीरे धीरे इंक्रीज करता है, लेकिन वो ज़्यादा करंट है ये हमने मान लिया, ठीक। अब वो ज़्यादा करंट जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ पर हीट हो रही है, उसकी वजह से, हीट की वजह से, यानी कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करता है तो हमें पता है करंट क्या होता है हमारा, डिक्रीज़ होता है, ये तो पता है ना आपको, ये पता है कि नहीं, जो हमारा आर होता है इज इक्वल टू में क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और आर इज इक्वल टू में वी अपॉन में आई होता है, तो ये इन्वर्सली है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, कम होगा, तो वही होता है करंट कम हो जाता है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और फिर थोड़ी देर में जब टेम्परेचर भी मतलब एक स्टेबल हो जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है हमारा करंट भी एक स्टेबल स्टेट में आता है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। क्योंकि शुरू में तो यही हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम होगा, लेकिन जब तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या हीट हो रहा है तब तक तो होगा, एक टाइम पे तो वो सैचुरेट ही होगा, तो फिर करंट हमारा कॉन्स्टेंट उसमें फ्लो करता है, क्लियर है इतनी बात बताओ। ये चीज़ें तो आपको समझाई हुई है मैंने पहले भी, ठीक है। तो मेन था ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल देख लो ज़रा कि कैसे किया है हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।